यूपी की योगी सरकार ने छोटे उद्यमियों को 5 लाख रुपए के सुरक्षा कवच का तोहफा दिया है। विश्व उद्यमिता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूक्ष्म उद्यम दुर्घटना बीमा योजना का शुभारंभ किया। जीएसटी पंजीकरण के दायरे से बाहर वाले छोटे उद्यमियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने 3 जिलों में प्लेज पार्क स्थापित करने वाले कारोबारियों को 12 करोड़ के चेक देकर सम्मानित किया। बरेली के शीशगढ़ में इंस्टाग्राम पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद माहौल बिगाड़ने के आरोप में पुलिस ने 4 नाबालिगों समेत 15 खुराफातियों को जेल भेज दिया है। बवाल के बाद दोबारा भीड़ जुटाने की अपील करने वालों में नाबालिग छात्र भी निकले हैं। शुक्रवार को सांप्रदायिक बवाल के बाद पुलिस ने 30 लोगों को पकड़ा था। पुलिस ने 500 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस और खुराफातियों की तलाश कर रही है। सावन के 7वें सोमवार को नाथ नगरी के मंदिरों में हर हर बम बम और हर हर महादेव के जयकारे गूंज उठे। नाथ मंदिरों में सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट गई। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। नाथ नगरी जलाभिषेक समिति ने शहर में शोभा यात्रा निकालकर नाथ नगरी के मंदिरों पर जलाभिषेक किया। बड़ी संख्या में कांवड़ियों ने भगवान शिव को गंगा जल अर्पित किया। मंदिरों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सावन के 7वें सोमवार को बरेली जोन के आईजी डॉक्टर राकेश सिंह ने साहित्यकारों और समाज सेवियों के साथ मिलकर कांवड़ियों की सेवा की। सर्किट हाउस चौराहे पर कैंप लगाकर आईजी ने कांवड़ियों को फल व कोल्ड ड्रिंक का वितरण किया। इस मौके पर मशहूर शायर वसीम बरेलवी समेत शहर के कई अन्य समाज सेवी व साहित्यकार भी मौजूद रहे। कांवड़ लेकर जाने को हुए बवाल के बाद सावन के 7वें सोमवार को विवादग्रस्त जोगी नवादा और चक महमूद में शांति रही। पुलिस ड्रोन कैमरे से पूरे इलाके की निगरानी करती रही। यहां भारी फोर्स तैनात किया गया है। रविवार को इलाके के लोग बिना परमिशन कांवड़ यात्रा निकालने पर अड़ गए थे, जिसके बाद यहां फिर से तनाव फैल गया था। बता दें कि सावन के 3रे सोमवार को डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद से यह इलाका फोर्स के हवाले है। बरेली में नागपंचमी के दिन कोबरा सांप के साथ करतब दिखा रहे युवक की सांप के डसने से मौत हो गई। नवाबगंज के रिचौला निवासी जुनैद नागपंचमी मेले में गले में सांप डालकर करतब दिखा रहा था, तभी सांप ने उसे डस लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल ले जाने की बजाय झाड़ फूंक वाले के पास ले गए, जहाँ काफी प्रयास के बाद भी जुनैद की जान नहीं बचाई जा सकी। बरेली में बंदरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोतवाली क्षेत्र में बंदरों के झुंड से डरकर भाग रहे सर्राफा व्यापारी की 3 मंजिला छत से गिरकर मौत हो गई। एसपी सिटी राहुल भाटी के अनुसार सोमवार सुबह सर्राफा कारीगर रूपचंद्र मकान की 3री मंजिल की छत पर खड़े हुए थे, तभी कई बंदर अचानक छत पर आ गए, जिन्हें देख कर वह दौड़ने लगे। बंदरों से बचने की कोशिश में वे अचानक 3री मंजिल से जमीन पर आ गिरे। व्यापारी की मौके पर ही मौत हो गई। बरेली में कछला से गंगा जल लेकर आ रहे कांवरिये की डीजे के स्पीकर के नीचे दबकर मौत हो गई। कांवड़ यात्रा के दौरान भुता के लाड़पुर गांव निवासी रामदास के सिर पर अचानक डीजे का भारी भरकम स्पीकर गिर गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना से गुस्साए कांवड़ियों ने हादसे के बाद ट्रक को पकड़ने के लिए विरोध किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने गुस्साए कांवड़ियों को शांत कराकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जत्थे में शामिल बुजुर्ग की मौत के बाद सभी कांवड़ियों ने जल नहीं चढ़ाया। बरेली में ट्रक का त्रिपाल बांध रहे ड्राइवर की नीचे गिरकर मौत हो गई। मध्य प्रदेश का मुरैना निवासी भोला ट्रक ड्राइवर था। वह महाराष्ट्र से अनार लेकर बरेली मंडी आया हुआ था। अनार उतारने के बाद वह ट्रक के ऊपर खड़े होकर त्रिपाल बांध रहा था। इस दौरान भोला का पैर फिसल गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल ले जाते समय उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बरेली में दिल को छू लेने वाला एक मामला सामने आया है। डाक कांवड़ लेकर आ रहे कांवड़िये के पैर में चोट लग गई। ये देखकर फतेहगंज पश्चिमी में ड्यूटी पर तैनात दरोगा अरजीत कुमार ने तुरंत डाक कांवड़ थाम कर दौड़ लगा दी। दरोगा ने आस्था की डोर को टूटने नहीं दिया। डाक कांवड़ लेकर दौड़ते दरोगा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर दरोगा के इस काम की खूब तारीफ भी हो रही है।